हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और मैं अभी रात में स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि मम्मी कह रही थी 31 तारीख की रक्षाबंधन, लेकिन मैंने अभी देखा, मैंने बताया था 30 की है, लेकिन मम्मी मान नहीं थी। तो अब गाँव से पता चला कि कल ही रक्षाबंधन मनाए जाएंगे, तो फिर आज रात में लिपाई शुरू हो गई है। देखो नानी दीप रही है मेरा रूम, और उधर साइड है वो कल लीपेंगे, सुबह ही सुबह लीप जाएंगे, कल की रक्षाबंधन है। तो देख सकते हैं आप लोग, नानी मेरी रात में लीप रही है। सच मैंने बोला था मैं सुबह अपना कमरा लीप लूँगी, और उसके बाद रात मांगी, तो नानी कह रही चिल्ला में अभी लीप दे रहे हैं, लाइट चल रही है। आप लोग देख सकते हैं इतना लिप गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, लाइट है नहीं है फ्रेंड। और कल के लिए हम घीवर बनाएंगे, खोया हमने बना लो है, चाशनी बना ली है, अब बस वापस खोया लगाना है और तैयार करना हो घीवर, तो आप लोग उनको दिखाते हैं। और अब हम निकालने का वो घीवर की वो कच्चू घीवर मतलब ये रखा जैसे कहा कहते हैं कमेंट में बता दियो, मुझे पता नहीं है मतलब कच्चू घीवर कहता हूँ, चेरी और रखी है पता नहीं। तो ये हमारा खोया तैयार है घीवर के लिए, इधर है चाशनी गर्मा गर्म, बस अब काल घीवर में डाल चाशनी। आप लोग देख सकते हैं मेरी मेहंदी लगा दी है शिवानी ने, देखो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है अपनी मेहंदी। और मैंने फ़ोटो भी क्लिक कराया जो अभी मैंने स्टोरी पे लगा दिया, और पैरों पे भी मैं वो रखी मतलब कलर लगा रही हूँ, मावर नहीं मतलब उंगली उंगली पे जो लड़कियाँ मतलब लगाती हैं ऐसे। और कल रक्षाबंधन है तो कल मैं भाई को राखी बांधूँगी। तो आप सब मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहो, और मेरी मेहंदी कैसी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। और मेरी मेहंदी का रंग देख सकते हैं कैसी लग रही है मेहंदी, और सबसे मतलब आज कम अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरी नानी परेशान हो गई, उनको मतलब क्या मतलब कुप्ची खाना पचने रहा, उल्टी हो रही है, और उनको दवा अगर डॉक्टर से दिलाते हैं उनको दवा भी सूट नहीं करती है, उनको बिल्कुल बच्चे की जैसी दवा नहीं खा सकती हैं, मतलब दवा भी उनको सूट नहीं करती। तो मैं सोच रही हूँ उनको पुदीना पिला दूँ थोड़ा सा पीस के, और उसके नींबू के पत्ते पेट पर रख देती हूँ, है ना, ये सही रहे। उसके बाद नहाती हूँ, तब देखती हूँ तैयार होती हूँ, अभी तो नानी का ट्रीटमेंट करूँ पहले। टोल ले जल्दी पत्ता पुदीना, कितना टोल लो दिखा ला, मैं पुदीना ले जा रहा हूँ जब तक ला। आप लोग देख सकते हैं ये पुदीना के पत्ते हैं, इतना ही हो पुदीना का पत्ता, और जे खूब से टोल लगी ला जिंदी टोर के लाने, मैं तो पीस रहा हूँ वाला कलंगी कलंगी क्यों टोल रहा हुआ, पागल हुआ कब्र कुल लगी है। बर्फ निकाल के ला, बर्फ निकाल के ला, एकदम ठंडा ठंडा पीता हूँ, चल 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 वो चलना बेटा, तो पुदीना आएगा तो गंगा पापन ने दवाई मार दी, पत्ता बचे बर्फ उठा लगी पहले पत्ता लगा देता हूँ, अब हम लोग नहाएंगे और फिर रेडी होंगे, फिर राखी बांधेंगे। चलो जी और पी लो नींबू पानी, हाँ पूरा पियो। फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने न्यू सूट पहन लिया अपना लांचा, तो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।
मुझे तो अच्छा लग रहा है अभी पहली है, मतलब जब राखी बांधूंगी तब फिर मैं चेंज कर लूँ, क्योंकि मैं ये ऐसे पूरे दिन तो नहीं पहन पाऊँगी इसको यार, इसलिए तो अब मैं बांधने जाती हूँ राखी, राखी बांध दूँ। रोटी रख ली है और घेवर घर पे बनाया वो, अब मैं राखी बांधूंगी। चलो चलो बाहर राखी बांध दी है, मतलब ब्लॉग नहीं ले पाया क्योंकि इसी फोन से मैंने रील भी बनाई, तो मैं रील डाल दूंगी, आप लोग रील देख लेना, देख लियो तो है। और मौसी घर पे आ गई है, पूरा मौसी नहीं आई और अर्चना मौसी आ गई है जिनकी अभी अभी शादी हुई है, आप लोगों ने तो देखा ही है, तो दिखाती हूँ मैं वो कैसे लग रही है आज जे बैठेंगे ना, बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है, आप लोग देख सकते हैं कितना सजवज के आई है लड़कियां, मतलब आज के दिन बहुत ज्यादा तैयार होती हैं, अच्छा लगता है सबका तैयार होना, हम लोग भी तैयार है ना, ये कलर कितना कलर है साड़ी का, बहुत अच्छी लग रही है। अब कर रखिए बांधो, मैं तुम्हें बांधूंगा ना, मैं तो तुम्हारे बांधूंगा, तुम मम्मी की ना बांधे बांधेंगे एक और ना, जो तीनों जनी मिल जाए तब देखो, बेरजनी मौसी पूनम मौसी तुम्हें ढक्की कब तीन जनी मिले, मतलब ऐसी साड़ी में चारों है ना, चारों हाँ चारों अरे दैया में पसीना देख रहे कितना, अब शिवानी बांध रही है रखिया, मौसी के मैंने बांध दई, मम्मी की बांध दई, नन्नू की बांध दई, नानी की बांध दई और मौसी की बांध दई, और शिवानी अंगिता ने मैं बांध दई, और टीका हम लोगों को देख सकता है लोगन ने टीका कैसे लगा हुआ, सही में लड़कन की लगाते वैसे नया कैसे करके लगा जाता है, सुन लो बांध दई बढ़िया, मौसी ने 100 रुपया दाए, मौसी ने 100 रुपया दाए, ब्लॉग बना ले मौसी ने 100 रुपया दाए, 100 रुपया मम्मी ने कितने दाए मौसी तुम्हें, 100 सबका 100-100 का नोट मिल रहा है, वो अशोक ने 100 रुपया दाए, अशोक ने वो 100 रुपया दाए मौसी, सही बात, बर्थडे के रखो जी कह रहा, मैं बर्थडे पे मिले तो 100 ले, तुम तीन दिन निकल लियो पर 100 रुपया चल सही है बढ़िया एकदम मस्त। मौसी को सिर्फ पानी मिलवा मांगा रहा पीवे के लिए, अभी बनो ही ना खाना, खाना खा के जाना, खज बनाओ ही ना, चलो दीदी अच्छा तो बनवाओ संग संग, 200 रुपया हाँ नमन नमन तो दो, जैसे जैसे हम 50 रुपए मिलेंगे मौसी को, 100 रुपए मिलेंगे पता चलेगी पहले नहीं, 50 मिलेंगे मैं सोची 100 मिलेंगे, बिना राखी के तो मिलने और का आज को तो सब शुभ दिन है, और का है मैं फोन में बता दे खचना तीना होती कर ली की, तो तुम्हें तुम्हें दिखाओ तो जावा, तुम त्वारो आए दिन इतनी मेहनत कर रहे हो ला तुम्हारे चल मन बाद तो सेवानी कहां गई, सेवानी सुनो नहीं अब
मैं नन्नू में जे ओ 100 रुपया निकाल रखी आ जल्दी बांध नन्नू बांध ही रखी है सब लोगों ने की और अब हम मांगी तो शिवानी को देख तो बते तू मीठी मीठी बोले राजा जी मेरे सूट कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है अच्छी लग रही हूँ मैं तो देखो मैं बिना फिल्टर के भी अच्छी लगती हूँ ना अच्छी लग रही हूँ ना क्यूट लग रही हूँ अच्छी लग रही हूँ अरे जहाँ तो रुपये रुपये बट रहा हो रुपया तो काउ पे ना बट रहा हो ना नहीं बेकार रहे सच्ची सो गई है मैं टिका तो खच आज देख कोई ना रहने अरे कुन्या और मामा कहाँ गए चलो ला ना आज हम कह दो 100 मिलना है खुले 50 मिल रहा है ना हमें आज 100 ही मिले खुले ना है लस वानी रुपया रगे बनाई के चल भैया पूरा फ्रिज घेवर ते ही भरा पड़ा है इसमें रखा है इसमें रखा है नीचे वाले में भी रखा है आज परेशान है दिमाग खराब है भाई तक पूजो ना नानी में तुम पे ना नानी ठाड़ हो जाए रहा मम्मी तुम्हें पूज दे मैं नानी को भाई आराम नहीं खा आराम नहीं खुना मेरे नानी आराम हाँ बाप जी बता रही हूँ हाँ तो तुम परी रहो फ्रेंड अब खाना खाने की बारी है बहुत तेज भूख लग रही है इतनी देर से सही बता रहे आज हमारे घर पर सैमलियाँ बन गई थी और सब्जी बन गई थी आलू को पूरे सिकल के रह गई थी तो मम्मी भी पल्ला राखी मानी हुई थी नन्नू घर है तो फिर अब खाना बनाए हमारे घर पर पूरी बन गई और आलू सब्जी और सैमलियाँ आपकी घर से क्या क्या बनता है सब मुझे आप लोग बताना और घेवर तो हम लोगों ने पहले ही बना लिया और कचौड़ी भी बन रही है और हम लोग खाएंगे अब खाना टाइम हो गया 2 बज गए हैं तो बहुत ही भूख लगी बात भी ना आ रही हूँ उससे फिर मैं बात कर रही हूँ चलो अब खाना खा लेते हैं पूरी तो फ्रेंड अमोर दीदी खा रहे हैं खाना और खाना बन गया घर से राखी वगैरह तो बांधी दीदी ने सब लोगों ने मौसी भी आई थी और बहुत लग रही है 1 बज गया टाइम होगा फिर बहुत देर लगी है सुबह से कुछ खाया नहीं था क्योंकि हम तो खाली पेट मतलब बांधते हैं फ्रेंड के पास ही रहते हैं जब तक राखी